नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं कुछ क्रिस्टल के अमेजिंग प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, जिनका यूज मैं आप लोगों को बताऊंगी और वो प्रोडक्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो लोग भी अपने चक्रास को चार्ज करना चाहते हैं, अपनी कोई भी विशेष पूरी करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने चक्रास को अलाइन करना चाहते हैं, या आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है जिसके लिए आप कोई ऐसी चीज रखना चाहते हैं जो बहुत इजीली रख के और आपका जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं सेवन चक्रा क्रिस्टल जनरेटर। ये जो होता है, ये देखिए, क्रिस्टल एनर्जी जनरेटर। इसमें सेवन चक्रा के क्रिस्टल लगे हुए होते हैं और बीच में क्लियर क्वार्ट्ज का इस तरह का पिरामिड होता है। इन सारे सेवन चक्रास की जो एनर्जी है उनको ये अलाइन करता है, एम्पलीफाई करता है, और इसको आप अपनी जिस भी विश के ऊपर रखते हैं ना, आपकी विश बहुत जल्दी फुलफिल हो जाती है। तो जल्दी से अपनी विश को ग्रीन पेन से लिख डालिए और उसके ऊपर इसको रखकर आप अपने नॉर्थ दिशा में रख सकते हैं। आप चाहें तो रोज इसको आप अपनी एनर्जी भी दे सकते हैं, ये सोच के कि ये जो रखा हुआ है उस विश के ऊपर, यहाँ पर डिवाइन लाइट इस बिल्कुल बीचों बीच इस पिरामिड पे आ रही है और ये जो जनरेटर है ये घूम रहा है बहुत तेजी से। ऐसा सोचेंगे आपकी जो विश है उस लिस्ट उसमें बनी हुई, उस पेपर पे लिखी हुई है, वो बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सेल हो जाए, या कोई ऐसा पेपर है जो काम आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वहां पर भी उस पेपर के ऊपर भी आप इसको रख कर ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी जो पूरी एनर्जी है वो उस पेपर के अंदर जा रही है, और उस टाइम आप उसको विश करिए कि ये जो मेरा काम है ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, और आप देखेंगे कि ये काम आपका बहुत जल्दी पूरा हो गया। अगर आपको किसी तरीके का कोई ऑर्डर चाहिए, कोई आपका टेंडर पास होना है, कुछ होना है, तो उसके जो पेपर्स हैं उसके ऊपर भी आप इसको रख के इमेजिन कर सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है ये। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको अपने सेवन चक्रास को अलाइन करना हो तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट होता है कि आप इस तरीके का एक सेवन चक्रा ब्रेसलेट पहन सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारे एनर्जी वाले चक्रास हैं और जो हमारे बैलेंसिंग वाले चक्रास हैं, शांत करने वाले चक्रास हैं, उनके क्रिस्टल हम साथ में ना पहने। पर ऐसा जो सेवन चक्रा वाला ब्रेसलेट होता है जिसमें एक एक करके सेवन चक्रा के क्रिस्टल्स बार बार रिपीट होते हैं और जिनको हम क्रिस्टल चक्रास को अलाइन करने के लिए पहनते हैं, इसके लिए मैं कभी भी मना नहीं करूंगी। ये बहुत ही अच्छा रहता है, आप इसको अपने चक्रास को अलाइन करने के लिए पहन सकते हैं। एक और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जो कि आपके चक्रास को अलाइन करने के लिए आपके काम आ सकता है। जो लोग भी रेगुलरली रेकी करते हैं या किसी तरीके का भी मेडिटेशन करते हैं या चाहते हैं रेगुलरली अपने चक्रास पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। देखिए, ये सेवन चक्रास के स्टोन्स आते हैं, इसमें सेवन चक्रास के स्टोन्स है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये पीछे दो स्टोन्स और हैं। सेवन स्टोन्स हैं, जो जो हमारे चक्रास के कलर हैं, जो जो हमारे चक्रा का शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग इसी के ऊपर बने हुए वो शेप है। इसको आपको करना क्या है, जब भी आप चाहें कि आप अपने चक्रास को एनर्जाइज करना चाहते हैं, थोड़ा अपने ऑरा को क्लीन करना चाहते हैं, क्लेंस करना चाहते हैं, तब आपको जो जो स्टोन जिस जिस चक्रा से बिलोंग करता है वो उसको वहां पर टेप करना है। जैसे आपको सबसे पहले सहस्त्रार पे यहाँ पर टेप कर देना है, फिर यहाँ पर टेप कर देना है, उसके बाद यहाँ टेप कर देना है, उसके बाद हार्ट चक्रा पे, उन सबको आपको टेप कर देना है। रात को भी आप ये कर सकते हैं और टेप करके आप सो जाइए, सुबह उठ के आप उनको रिमूव करके और वॉश करके रख सकते हैं। आप बहुत ही हल्का और बहुत कहते हैं ना, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ऑरा क्लीन हो गया है, मेरे चक्रास बेटर काम कर रहे हैं, मतलब मेरी बॉडी बेटर काम कर रही है। चक्रास का तो आपको पता नहीं चलेगा, इतना अमेजिंग ये प्रोडक्ट होता है। बहुत ही सही रेंज में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा जो एक प्रोडक्ट है वो है, इसको हम 9 पिरामिड प्लेट बोलते हैं। इसमें नीचे क्लियर क्वार्ट्ज होता है, ऊपर 9 ऐसे क्रिस्टल के पिरामिड्स होते हैं, 9 जो क्रिस्टल्स हैं वो लगे हुए हैं इसमें, वो पिरामिड्स। इसको आप, अगर आपका कोई भी टॉयलेट बाथरूम या रूम या कोई भी जगह आपको लगता है जहां आपको थोड़ी सी भी नेगेटिविटी लगती है, या आप चाहते हैं कि अपनी ऑफिस टेबल पे, स्टडी डेस्क पे, या कहीं भी ऐसी जगह पे जहां आपको पॉजिटिविटी की जरूरत है, तो आप इसको वहां पर
डबल साइडेड टेप से भी स्टिक कर सकते हैं, पर थोड़ा गिरने का डर रहता है। तो आप कोई जगह हो जहां पर इसको रख पाए, कोई ग्लास का वो लगवा के वहां आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके टॉयलेट बाथरूम्स नेगेटिव है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो आपने टॉयलेट बाथरूम के बाहर जो डोर होता है उसके आसपास इसको कहीं भी या तो स्टिक कर दीजिए, या फिर आप इसको कोई जगह बना के वहां पर रख दीजिए। अगर कोई जगह वहां पर है, इसको नॉर्मली आपको ऐसे ही रखना है। और उस जगह की देखिए, किसी भी डिफेक्ट को हम इतनी इजीली दूर नहीं कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, वहां की एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने घर में जो भी टॉयलेट बाथरूम्स हैं, अगर वो रॉन्ग है, या कोई जगह है जो रॉन्ग है, या कोई रूम है जो रॉन्ग है, वहां पर अगर आप इसको रख देते हैं, या आप मल्टीपल ऐसी 9 पिरामिड प्लेट्स भी रख सकते हैं, तो ये बहुत ही बहुत आपको अच्छा बेनिफिट देता है। आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में मुझे आपको बताना था। अभी हम नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टल क्रश के बारे में, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। क्रिस्टल क्रश होता है, जिसे हम क्रिस्टल का चूरा कहते हैं। कई बार ये छोटे छोटे क्रश फॉर्म में भी आता है, बहुत ही छोटा चूरा भी आता है। इसको हम ग्राउंड में यूज करते हैं, मतलब अंडर द आपका फ्लोर जो है, फ्लोरिंग के नीचे यूज करते हैं। जब भी हम कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो आपका फ्लैट है, घर है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्लोरिंग से पहले उसको डाला जाता है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट होता है। उससे किस तरीके से हम जो जमीन है, जो ग्राउंड है, भूमि है, उसकी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड। नमस्ते।